श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत पूज्य संत सुरेश दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, पूज्य संतगण स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, स्वामी नारायणाचार्य जी महाराज, स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महंत धर्मदास जी महाराज, पूज्य संत चरण और मंच पर उपस्थित मान्य सांसद श्री लल्लू सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, बाबा गोरखनाथ जी, खबू तिवारी जी, श्रीमती शोभा सिंह जी, और इस मंच का संचालन कर रहे सुप्रसिद्ध कथाभ्यास स्वामी रामानंद दास जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, की परंपरा के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने वाले सभी उपस्थित पूज्य संत चरण, उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण, नौजवान साथियों, पूज्य महाराज जी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। पूज्य महाराज जी रामानंदी परंपरा में दिगंबर अखाड़ा के ही श्रीमंत नहीं थे, पितो भारतवर्ष के अनेक पंत संप्रदाय और मतों को एक मंच पर लाकर के जोड़ने और इस देश की आजादी के बाद के सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन से राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से जिस अलग को जगाने का कार्य पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज और इस देश के पूज्य संतों ने सरदेव अशोक सिंगल जी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया था, आज पूज्य महाराज जी के 14 न रहने के बाद 14 वर्ष के उपरांत भी हम देश धर्म और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए इस कृतित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वैसे भी गोरखपीठ से पूज्य महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज का संबंध बहुत पुराना था। राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद जब 1949 में प्रारंभ हुआ तब से परमहंस जी महाराज का संबंध राम जन्मभूमि आंदोलन से रहा है और गोरखपीठ का संबंध भी राम जन्मभूमि आंदोलन से तब से रहा है। बिना हिले, बिना डिगे, बिना झुके, सम और विषम हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता पूज्य परमहंस जी महाराज में थी और चूंकि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष मेरे पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज थे, तो इन दोनों पूज्य संतों का जो आपसी समन्वय था, संबंध था, वह हम सब के लिए अविस्मरणीय है और इसलिए हम लोग इन पूज्य संतों को
गुरु के तुल्य मान करके उनके प्रति सदैव श्रद्धा का भाव रखते हैं। मैं सोच रहा था जब मैं आया पूज्य परमहंस जी महाराज की समाधि स्थली पर पुष्पांजलि करने के लिए गया था, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप यहां क्यों आए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, मैं अयोध्या ना आऊं, मैं पूज्य संतों की समाधि में जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त न करूं। अजीब सा प्रश्न था, और अयोध्या क्यों नहीं आऊंगा। मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा, और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या तो प्राचीन भारत की ही नहीं, दुनिया की प्राचीनतम जो नगरियां हैं, काशी है, अयोध्या है, ये सभी उन प्राचीनतम नगरियों में से हैं जिन्होंने दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, दुनिया को संस्कार दिया है, दुनिया को संस्कृति दी है। आज भी आप चले जाइए पूरी दुनिया के अंदर, भारत की पहचान राम और बुद्ध के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर देखी जा सकती है, और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान के रूप में, भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में योग को दुनिया के अंदर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप चले जाइए दक्षिण पूर्व देशों में, वहां पर राम के नाम पर वहां की पहचान और वहां पर राम की परंपरा आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। आप थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड के राजा अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर वहां की पूरी परंपरा रामायण पर आधारित है। रामलीला वहां का नेशनल फेस्टिवल है, यानी जिस रामलीला का आयोजन आप यहां करते हैं, गांव गांव में करते हैं, घर घर में यहां पर रामलीला के आयोजन के लिए लोगों के अंदर एक नई उत्सुकता होती है। भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो भगवान राम की उस लीला के बारे में बचपन से ही अपने परिवार में अपनी मां, अपनी दादी, अपनी नानी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के इन प्रसंगों को सुनता रहा हो। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष हम लोग अपने गांव में रामलीला का आयोजन कराते हैं, बावजूद इसके हर वर्ष हमारे नगर में, हमारे कस्बे में या जहां कहीं भी रामलीला का आयोजन होता है, हजारों हजार की भीड़ वहां एकत्र होकर के भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकत्र होता है, उस मंचन के माध्यम से अपने श्रद्धा को व्यक्त करने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं, जब एक कथा व्यास किसी कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस गाथा को अपने प्रवचनों के माध्यम से भी व्यक्त करता है, उसका वाचन करता है, तब भी हम सब इस बात को देखते हैं कि हजारों की भीड़ एकत्र होकर के मंत्र मुक्त होकर के 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान राम की इस गाथा को, भगवान राम की इस लीला को सुन करके न केवल द्रवित होता है, अभी तो अपने को धन्य मानता है कि मैंने भगवान राम की कथा का श्रवण किया है। हर वर्ष होता है, हर जगह होता है, यही तो राम की महिमा है। जिनकी लीला को, जिनकी कथा को सुनकर के, हर वर्ष सुनकर के, जानकर के, हर परंपरा का व्यक्ति, हर मत, हर मजहब का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को इस रूप में व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। और जिस राम की महिमा दुनिया के अंदर गाई जा रही हो, उस राम की महिमा को जानने, उस राम, भगवान राम की
महिमा को नजदीक से देखने का अवसर अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो उसको उससे वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अयोध्या आता हूं, आगे भी आऊंगा। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, पूज्य परमहंस जी महाराज से जब मैं लखनऊ जाता था या लखनऊ से आता था, और अगर पूज्य महाराज जी यहां पर हैं तो मैं अक्सर उनके दर्शन करने के लिए आता था। कितनी सादगी भरा था उनका जीवन। हेलो, कैसे कैसे तर्क थे उनके पास, इसलिए उनको वो संतों की सभा में प्रतिवाद भयंकर के रूप में भी लोग महिमा मंडित करते थे। और अलग अलग अपने तर्कों के माध्यम से मुझे याद है, जब ढांचा ढाने के बाद लिब्रहान आयोग की जो कमेटी बनी थी उसमें राम जन्मभूमि से संबंधित मुद्दे पर पूज्य महाराज जी के बयान होने थे, तो ऐसे ऐसे तर्क उनके द्वारा दिए गए, कई दिनों तक वो बहस चली थी, कई दिनों तक वो बहस चली थी। अंत में लिखने वाला भी थक गया कि आप एक एक नया तर्क हरेक उसमें जोड़ दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उनका स्वभाव था। और सादगी किस रूप में, एक बार मैं लखनऊ जा रहा था तो मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम लखनऊ जा रहे हो तो एक काम करना, वहां परमहंस का हालचाल लेते हुए जाना और शाम को फिर मुझे बताना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। तो जब मैं आया तो पूज्य महाराज जी गेट पर ही बैठे हुए थे। सदरी और धोती उनका मुख्य जो पोशाक थी उनकी, यानी जिसको आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वह सदरी और एक धोती हुआ करती थी। धोती भी बड़ी गंदी थी और सदरी भी बहुत पूरी काली हो गई थी। तो मैंने उनको देखा, वे सर्दियों का दिन था, आग सेक रहे थे। तो मैंने कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और कैसे कपड़े आपने पहने हुए हैं? कहा, बेटा मैं इसलिए बैठा हूं, मुझे कुछ लोगों ने मारने की धमकी दी है और उन्होंने सुपारी दे दी है कुछ गुंडों को मुझे मारने के लिए, और मैं इसलिए बैठा रहता हूं कि कोई लोग, जब कोई अपराधी मुझे मारने के लिए यहां आता है तो मुझे पहचान ही नहीं पाता है कि परमहंस मैं ही हूं। एक बार एक अपराधी आया था, वो मुझसे पूछ रहा कि परमहंस कहां रहता है, तो मैंने कहा यही कहीं होगा। तो मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए आया है। यानी कैसे कैसे तर्क उनके पास हुआ करते थे। एक बार रात्रि में मैं पहुंचा था, 10 बजे के आसपास मैं आया रात्रि में, तो मैंने मणिराम दास सावनी के पूज्य महाराज जी के यहां वही प्रसाद ग्रहण कर लिया था। मैं रात्रि 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में आया। अगले दिन प्रातः पूज्य महाराज जी को मेरे साथ ही गोरखपुर चलना था। तो रात्रि में जब मैं आया तो उस समय पूज्य परमहंस जी महाराज यहां नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, लेकिन उनको देर रात्रि में आना था। तो दिगंबर अखाड़ा में जो लोग थे मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि भोजन, मैंने कहा नहीं, वह प्रसाद तो ले चुके हैं। मैंने कहा भी केवल यहां रात्रि विश्राम करके प्रातः हम लोगों को फिर गोरखपुर जाना है। कहा कि महाराज जी तो अभी बाहर गए हैं, रात्रि में आएंगे, आप जो है विश्राम करेंगे। मैंने कहा विश्राम करेंगे, तो मैं विश्राम करने के लिए मैं था, मेरे साथ एक दो लोग और थे, हम लोग विश्राम करने के लिए लेट गए। रात्रि को 12 बजे पूज्य परमहंस जी महाराज आए। हम सोए हुए थे तब तक वो आए, जगाए, कहा कि दिगंबर अखाड़ा में आए, रात्रि को भोजन नहीं पिए, भोजन नहीं ग्रहण किए। मैंने कहा हम लोग ले चुके हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा यहाँ पे। रात्रि को 12 बजे फिर हम लोगों को जबरदस्ती भोजन और दूध पिलाते हैं, जबरदस्ती हमें वहां प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। कहीं कैसे हो सकता है कि गोरख स्वीट से कोई आए और खाली पेट मत तो सो जाए यहाँ पर, ये नहीं हो सकता है। इतनी आत्मीयता थी। अब याद करिए वो दिन 1990 का, जब कोठारी बंदों को गोलियों से भूना गया था यहां पर,
और दिगंबर अखाड़ा के बाहर उनका स्मारक बनाने का कार्य किया था उन्होंने पूज्य परमहंस महाराज ने, कि राम जन्म भूमि के प्रति और इस संपूर्ण आंदोलन के प्रति उनके मन में क्या भाव है। सज्जनों, अयोध्या उपेक्षित रही है, भारत की परंपरा के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, हमारे जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने अभी कुछ बातें कही, पता नहीं क्यों भारत की पहचान के इन प्रतीकों को उपेक्षित किया गया। हमारी धार्मिक आस्था के तो केंद्र है ही, भारत के वास्तविक इतिहास के केंद्र बिंदु में यह स्तंभ है और इन स्थलों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर भारतवासी का दायित्व तो होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से लोग उधर ध्यान नहीं दे पाए। केंद्र में से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद पहली बार इन बातों को ध्यान में दिया गया कि इस देश के अंदर रामायण सर्किट भी बन सकता है। भगवान राम अयोध्या से वनगमन का उनका जो पथ है, उत्तर से लेकर के दक्षिण को जोड़ने का यह पथ हो सकता है और इसका विकास होना चाहिए। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राम सर्किट के नाम पर, कृष्णा सर्किट के नाम पर, बुद्ध सर्किट के नाम पर, आध्यात्मिक सर्किट के नाम पर इस देश के उन सभी प्रतीकों को आपस में जोड़ करके पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को राजनीतिक एकता के सूत्र में भी बांधने का कार्य किया है। एक महत्वपूर्ण कार्य है ये। हम लोग अभी एक दिन विधानसभा में थे, चर्चा हो रही थी, वहां पे एक सज्जन ने कहा कि अयोध्या के विकास की बात तो आप कर रहे हैं लेकिन चित्रकूट के विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ये स्वदेश दर्शन का जो कार्यक्रम है, रामा सर्किट का जो कार्यक्रम है, इसमें अयोध्या का भी विकास होगा तो चित्रकूट का भी विकास होगा, बीच में श्रृंगवेरपुर का भी विकास होना है और इसमें साथ ही साथ पंचवटी का विकास भी होगा और उस मार्ग को विकसित किया जाएगा जो दंडकारण्य के नाम पर आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। ये सभी उसके विकास के केंद्र बिंदु होंगे। रामेश्वरम तक जाएगा और आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार पुनः राम सेतु का निर्माण भी लंका को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। एक बड़ा अभियान उसके अंतर्गत होने जा रहा है। भारत को समझने वाला व्यक्ति ही भारत के विकास की नींव डाल सकता है और भारत के इस विकास को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और भारत के इन आध्यात्मिक, इन सांस्कृतिक केंद्रों के विकास की नींव को आगे बढ़ाने का कार्य किया है केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। उस अभियान को आगे बढ़ाने की कड़ी है अयोध्या में बंद रामला को एक बार पुनः प्रारंभ करना। लोगों को रामला से भय है, लोग भयभीत हो जाते हैं कि रामलीला नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया मुस्लिम देश है लेकिन रामलीला का आयोजन वहां का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है, फेस्टिवल है। इंडोनेशिया भले उन्होंने अपने यहां अपनी उपासना विधि के रूप में इस्लाम को स्वीकार किया हो लेकिन इंडोनेशिया के अंदर राम की संस्कृति आज भी बसती है, आज भी रमी हुई है। कम से कम वहां से तो कुछ लोग सीखें, जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चाहे अनचाहे विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसी योजना के अंतर्गत विकास का एक खाका हम लोगों ने अयोध्या का भी तैयार किया है जिसमें इन सभी घाटों को पुनरुद्धार की व्यवस्था भी होनी है और उन घाटों के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। उस अभियान को लेकर के हम लोग चले हैं।
अयोध्या में रामलला का पुनः मंचन हो, मथुरा में रासलला का मंचन, चित्रकूट में अखंड कीर्तन की परंपरा पुनः प्रारंभ हो सके, सरयू जी की आरती का कार्यक्रम यहां पर अखंड रूप से आगे बढ़ सके, अयोध्या को उसके वैभव के अनुसार, उसके नाम के अनुसार उस प्रकार का गौरव प्राप्त हो सके, ये सभी उस अभियान के हिस्से हैं और उस अभियान के हिस्से में हम सबको सहभागी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में आया हुआ एक ऐसा केंद्र बिंदु है भारत का, जो दुनिया को एक बार पुनः अहिंसा का मार्गदर्शन कर सकता है, हिंसा से त्रस्त विश्व मानवता को एक नया मार्ग दिखा सकता है, आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और दुनिया के अंदर उस अराजकता के खिलाफ मानवता की लड़ाई को एक नया आयाम दे सकता है अयोध्या, और इस दृष्टि अयोध्या का विकास हम सबका दायित्व होना चाहिए। मैं इस बात को देखता हूं, जब अयोध्या जी में आता हूं, घाटों में देखता हूं, लोग घाटों में आकर के प्लास्टिक में फूल लेकर के आते हैं, प्लास्टिक को फूल को दोनों को सरयू मैया में बहा देते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, हम प्रयास करें कि पुष्प को भी सरयू मैया में न डालें, बल्कि किनारे एक जगह एकत्र करें, कपड़ों में साबुन लगा करके या कपड़ों को भी नदी में न डालें, गंदगी न करें, अगर हम स्वयं सरयू मैया की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सरयू मैया का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। भारत की नदी संस्कृति को बचाएगा कौन अगर हमारे संत समाज आगे नहीं आएगा? भारत की नदी संस्कृति आज के दिन की एक चुनौती है और उस चुनौती को हमारे संत समाज को स्वीकार करना होगा। समाज को बांटने की जो साजिशें हो रही हैं, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर, इसको एक बार पुनः चुनौती के रूप में हमारे पूज्य संतों को लेना पड़ेगा। मध्यकालीन संत स्वामी रामानंद जी महाराज ने कहा ही था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक बार पुनः अलग जगाने के लिए हमारा संत समाज आगे क्यों नहीं आ सकता? अगर हम अपने कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, अपनी साधना का केंद्र बिंदु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बना दें, एक गरीब को बना दें, एक दरिद्र में ही नारायण के दर्शन करने की उस उत्कट अंश, उत्कट इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, संभव है समाज की विषमता रूपी कोड समाप्त हो सकता है। ये समाज एक बार पुनः जिस तरीके से आदरणीय श्री मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस रूप में आगे बढ़ता हुआ देख करके दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा, और दुनिया का नेतृत्व करता हुआ भारत हम सबकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और उस दृष्टि केवल सरकार का एक दायित्व नहीं, हर नागरिक का एक दायित्व होना चाहिए। भारत के हर नर हर नारी, हर नौजवान हर युवती, हर छात्र हर छात्रा और हर संप्रदाय के संत महात्मा और धर्म गुरुओं का यह अधिकार होना चाहिए, उनका दायित्व होना चाहिए कि हम इस अभियान का हिस्सा बने, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करें। आखिर इसकी शुरुआत तो अयोध्या से ही होनी चाहिए, चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा तो अयोध्या से ही शुरू होती है, और चक्रवर्ती सम्राट वही होगा जो दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर देगा। क्या एक बार पुनः अयोध्या इस बात की प्रेरणा देगा? क्या अयोध्या से हम इस प्रकार की प्रेरणा ले पाएंगे? यह मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा सज्जनों, जब अयोध्या आते हैं तो पूज्य परमहंस जी महाराज का स्मरण हम सबको बार बार आता है,
और जब मैं परमहंस जी महाराज के अवसान के बाद, उनके दिवंगत होने के बाद, हम लोगों को लगता था कि कैसे अयोध्या में उस प्रकार की हलचल हम लोगों को सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव प्राप्त होता रहा है। राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन मुझे उस समय एक पूज्य संत और देखने को मिले, हमारे बड़े भक्तमाल पूज्य महंत कौशल किशोर दास जी महाराज। आज अपनी अस्वस्थता के नाते वे उस रूप में उनकी वाणी को सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन वही स्टाइल थी, वही तेवर थे और वही भाव था, वही फक्कड़पन था। जब गोरखपुर पूज्य परमहंस जी महाराज के दिवंगत होने के बाद गोरखपुर में पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया, तो बहुत सारे जो श्रोता थे वे लोग मान करके चले गए तो परमहंस जी महाराज ही आ गए हैं। उनके स्टाइल को देख करके, उनके वचनों को सुन करके सबको ये लगने लग गया था कि ये तो लगता है कि पूज्य परमहंस जी महाराज ही आ गए हैं। आज वे अस्वस्थता के बावजूद भी इस मंच पर आए हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज और पूज्य संतों की भी स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकारें प्रदेश की भी, केंद्र की भी, आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप सरकारें कार्य करेंगी। आप सब भी सरकार के हिसाब से कार्य करते हुए विकास को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें और अच्छा होगा। यहां पर हमारे सभी वरिष्ठ पूज्य संत चरण यहां पर उपस्थित हैं, मेरा इन सबसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा, श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस पर विचार करना चाहिए। वे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि बहुत शीघ्र इसमें दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र सुनवाई के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर भी तैयार करने जा रही है। संवाद से समाधान हो अच्छा होगा और सब इस संवाद को बनाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में मिलना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का समाधान संवाद से करेंगे, दुनिया की वे ताकतें जो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा शोक का दिन होगा वह जिस दिन राम जन्मभूमि में समाधान हम संवाद के माध्यम से निकालेंगे और उस दिन दुनिया के अंदर भारत दुनिया की उभरती हुई ताकत के रूप में दुनिया के सामने इस बात को मजबूती के साथ कहने में सफल हो सकती है कि नहीं, भारत दुनिया की एक ताकत है। जो लोग तोड़ना चाहते हैं, जो लोग बांटना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि भारत विकास के इस अभियान का हिस्सा बन सके, भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सके, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा दुनिया के अंदर फैले, वे लोग ही नहीं चाहते कि अयोध्या में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकाले। और इसीलिए हमें इन बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। और मैं फिर अपील करूंगा, इस संवाद को बनाने के समय एक बृहद स्तर पर पहल प्रारंभ होनी चाहिए। दोनों पक्ष पहल प्रारंभ करेंगे तो सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार हमेशा चाहेगी कि जन भावनाओं के अनुरूप जन विश्वास पर खरा उतरने में हम लोग सफल हो और दिशा में हम लोगों का पूरा सहयोग होगा, भरपूर सहयोग होगा। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य या फिर जितने भी हमारे, चाहे चित्रकूट हो, प्रयागराज हो या विंध्यवासिनी धाम हो या देवीपाटन का धाम हो, ये जितने भी पवित्र तीर्थ स्थल हैं,
इन सब का विकास होगा, भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की ओर इन्हें अग्रसर करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आज के इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सलाहकार पुरुष के रूप में दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के दिवंगत श्री महंत पूज्य परमहंसी महाराज के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनके प्रति उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूं, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूज्य महंत सुरेश दास जी महाराज के नेतृत्व में ये परंपरा पूज्य परमहंसी महाराज के द्वारा प्रारंभ की गई उस अभियान को आगे बढ़ाने में सफल होगी। आप सभी पूज्य संतों के चरणों में नमन करते मैं आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विकास और राष्ट्रवाद के इस अभियान में आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और बता रहे थे किस तरह से पूरी दुनिया में अयोध्या की एग्जिस्टेंस है, भारत का बच्चा बच्चा रामलीला जानता है। योगी ने कहा, योगी ने यह भी कहा, मैं आऊंगा यहाँ बार बार आऊंगा, मैं पहले राम भक्त हूँ। रामलीला इंडोनेशिया में राष्ट्रीय पर्व है। तो अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भगवान राम की महिमा पूरी दुनिया में सुनाई जाती है, तो राम नाम से परहेज किस बात का, सरयू नदी में गंदगी ना करें ये भी समझाने की कोशिश की, सकारात्मक राजनीति से राम मंदिर का हल निकलेगा, राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में भी वो यहाँ बोलते हुए नजर आए। राम जन्मभूमि आंदोलन देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है, कहना है योगी आदित्यनाथ का। मोदी जी के आने से पहले अयोध्या की उपेक्षा की गई और अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम मंदिर का यहाँ पे महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।